ओके, मेनी ऑफ यू आर नोइंग एज निधि असिस्टेंट कमांडेंट ऑफ 2020 बैच. ओके, सो सी वाज अंडरगोइंग ट्रेनिंग बट एट दिस टाइम सी इज फॉर सम टाइम रेस्ट. ओके, एनीवे सी विल डिस्कस सम ऑफ द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन इंटरव्यू एंड ऑल. सो विदाउट एनी डिले आई विल हैंड ओवर टू निधि. सी विल टेल समथिंग अबाउट हर जर्नी एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस. निधि, इट इज ऑफ जनरल नेचर. इफ आई आस्क स्टूडेंट्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक अचीवमेंट्स ऑफ CISF, ऑब्वियसली नो वन इज एबल टू पिन पॉइंट की वॉट CISF हैज अचीव्ड अदर देन जनरल नेचर ऑफ ड्यूटी. सो यू शुड से सम एस्पेक्ट्स ऑफ CISF, its achievement, its challenges in that direction. Obviously, there are some information which should not be disclosed, but whatever information need to be known by public that you have to say. Okay, so you can start first from your journey and then some issues. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. जैसे कि सर ने बता दिया, आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल लाइक इन हिंदी और इंग्लिश. लाइक इज देयर एनी पर्टिकुलर चॉइस? एनीथिंग इज फाइन मैम. ओके, तो मैं हिंदी में बात करती हूँ. तो सर ने पहले बता ही दिया है कि मेरी जर्नी क्या रही है. तो बेसिकली मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की थी डिफेंस की, आर्मी के साथ. मैंने 2 बार SSB क्लियर भी किया हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था बिकॉज मेरा आईज का इशू था. उसके बाद मैंने सर्जरी कराई, लेजिक सर्जरी कराई, और उसके बाद फाइनली मैं CAPF में सिलेक्ट हुई. CAPF में मैंने 3 अटेम्प्ट्स दिए, और 2020 वाला सेकेंड अटेम्प्ट था. 2021 वाला भी मैंने दिया था, बट फॉर्चुनेटली उसका इंटरव्यू देने का मौका मुझे नहीं मिला. 2020 में ही सिलेक्शन हो गया. अभी मुझे ट्रेनिंग में ऑलमोस्ट 12 मंथ्स हो चुके हैं. अभी तो मैं घर आई हुई हूँ, इसलिए मैं आप लोग से बात कर पा रही हूँ. तो जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं रिगार्डिंग इंटरव्यू और एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन, जैसे पेपर 2 या पेपर 1, तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे. नहीं, ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए है. ठीक है, रिलेटेड टू ओनली इंटरव्यू. यस ठीक है, ठीक है. ये सारे इंटरव्यू के लिए सर यस जा रहे हैं ना? यस यस तो ठीक है. तो इंटरव्यू, अभी तक आप लोग का प्रिपरेशन लेवल क्या है? मतलब आप सर्टेनली आप सर के साथ हो तो बहुत अच्छा होगा, बट फिर भी आप लोगों का अभी लेवल क्या है इंटरव्यू की प्रिपरेशन का? एनीवन? मैम, पढ़ तो लिया, जितना सर ने बताया पढ़ लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम एक जगह आती है कि कुछ लेवल तक हम, कुछ हायरार्की तक हम लोगों ने पढ़ा है कि फिर सर और ज़्यादा डीप अंदर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं जमशेदपुर में हूँ तो मेरे को वो रिवर्स के बारे में पता है जो जमशेदपुर में है. अब सर झारखंड के कोई और रिवर पूछ लेते हैं जो मेरे को आइडिया भी नहीं है कि वो रिवर बहती भी है. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं वहाँ जो चेयरमैन मेंबर रहेंगे कि वो कितना डीप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सेम सेम विथ रिस्पेक्ट टू फोर्सेस आल्सो. अच्छा, तो जहाँ तक सर जिस जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, सबसे पहली बात तो वो देखते हैं कि आपको अगर एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दिया जाए तो आप कैसे रिएक्ट करोगे. जैसे आपको आंसर नहीं पता है किसी क्वेश्चन का, तो आप उसको कॉन्फिडेंटली कैसे डील कर रहे हो, वो सर देखना चाह रहे हैं इस चीज में. ठीक है, तो आप कॉन्फिडेंटली ये भी बोल सकते हो कि मुझे नहीं पता, आई डू नॉट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मतलब बहुत आराम से आप बोल सकते हो. इनफैक्ट आप बोल सकते हो कि आई वुड बी गोइंग बैक होम एंड रीडिंग अबाउट इट. ऐसे भी आप बोल सकते हो, एंड कर सकते हो एक पॉजिटिव नोट के साथ. तो इसमें तो ये चेक हो रहा है कि आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाला गया तो आप कैसे कॉन्फिडेंटली रिप्लाई कर रहे हो. जहां तक ये बात आती है कि आप कितना डीप जा सकते हो, मुझे लगता है डैफ में हम लोग जितना भी डीप जा सके ना, उतना डीप जाया जा सकता है. बट फॉर्चुनेटली क्योंकि आप लोग सर के साथ हो, तो द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट ही टेल्स, वही क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ही बहुत सेम क्वेश्चन आते हैं. इनफैक्ट मेरे इंटरव्यू में भी आए थे. तो आपको ये बिलीव करने की जरूरत है कि सर जितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनसे ज्यादा डीप तो डेफिनेटली नहीं जाएगा.
सर आपको एक लिमिट तक करवा रहे हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाएगा, उससे ज्यादा डीप आपको करने की जरूरत भी नहीं, ये चीज है। और डैफ तो सर ने बता ही दिया होगा कि डैफ हाँ कैसे हाँ प्रिपेयर दीदी, करना। एक जो CISF के संबंध में कुछ जैसे मैंने क्वेश्चंस पूछे कि हाँ कुछ सर, स्पेसिफिक अचीवमेंट, जैसे आप CISF में ऑलमोस्ट 1 ईयर रह चुके हो, तो CISF के बारे में ऑब्वियसली आपको बताया गया होगा कि कुछ अचीवमेंट जो इसने स्पेसिफिक किया है। समटाइम ये क्वेश्चंस बहुत मुश्किल होते हैं। CRPF के बारे में देखा जाए, BSF के बारे में देखा जाए, तो बहुत सारी चीजें मिलती है। रूटीन टास्क में नो डाउट CISF राउंड द क्लॉक वर्क कर रही है, लेकिन कुछ यदि आपके पास स्पेसिफिक अचीवमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सर अभी जैसे हमारी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट जो रीसेंट है वो है पार्लियामेंट में डिप्लॉयमेंट। अभी रिसेंटली इनफैक्ट 1 हफ्ते पहले ही पूरी डिप्लॉयमेंट पूरी हुई है, और हमारे 400 CISF पर्सनल्स वहाँ पे लगाए गए हैं। तो सर ये शो करता है कि चाहे कोई भी टाइप ऑफ इशू आ रहा है, चाहे वो पार्लियामेंट अपना नया पार्लियामेंट जो बना है उसकी सिक्योरिटी का हो, या कोई टेक्नोलॉजिकल कोई नए काइंड ऑफ टेररिज्म आ रहे हैं, जैसे ड्रोन आ गया, ड्रोन का कोई है, तो CISF इज समथिंग जो खुद को बहुत इजीली अपग्रेड कर लेती है सर, क्योंकि हमारे CISF में सिलेक्शन भी उन लोगों का होता है, मतलब मोस्टली उन लोगों का होता है जो अपर नॉच वाले होते हैं, कोई भी रैंक से तो CISF में मोस्टली ऊपर नॉच वाले होते हैं। तो इसलिए इंटेलिजेंस लेवल और IQ लेवल जो CISF में रहता है वो काफी हाई रहता है, लोगों में बहुत नई नई चीजें जानने की बहुत इच्छा रहती है। अब हम लोग अचीवमेंट्स के बारे में जब बात करते हैं, तो अगर हमें इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में बात करनी है, तो मैंने जैसे डील किया था वो डील किया था कि मैं CISF को अपनी लाइफ से बहुत रिलेट करती थी, तब मैं लेजिटिमेसी थोड़ी दिखा पाती थी इंटरव्यूअर को कि क्यों मुझे CISF में जाना है, क्योंकि अगर हम लोग इतनी लेजिटिमेसी नहीं दिखा पा रहे इंटरव्यू को कि CISF ही क्यों और कोई फोर्स क्यों नहीं, तो थोड़ा सा हम लोग बैकफुट में आ जाते हैं। बट अगर हम लोग ये बताते हैं कि जैसे मेरे फादर इंडियन ऑयल में है, PSU में है, PSU में CISF तो रही ही है, तो मैं ऐसे बता सकती हूँ, या मैंने ऐसे बताया ही था इनफैक्ट कि CISF को मैंने बचपन से देखा है, इसलिए मैं CISF में जाना चाहती हूँ, ये थोड़ा लेजिटिमेसी दिखाता है। आप ये भी बता सकते हो कि CISF ने बहुत सारी अचीवमेंट्स रिसेंटली की है, या ये डाइवर्स फोर्स है, ये सब लोग बताते हैं, बट मुझे लगता है कि अगर आप अपनी लाइफ से रिलेट करते हो तो आपका आंसर थोड़ा और हैवी वेट का हो जाता है। वन क्वेश्चन है कि प्रेजेंट में CISF के क्या चैलेंजेज हैं। प्रेजेंटली चैलेंजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो आपने खुद ही देखा होगा, मतलब मोस्टली लोगों ने देखा ही होगा, आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो हम लोग सबसे आई थिंक सबसे लाविश जो अपॉर्चुनिटी है CISF में वो है आप एयरपोर्ट पे, आपकी डिप्लॉयमेंट हो रही है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बहुत इजिली आ रहा है। जो भी हमारे नॉन कोर एरियाज थे, मतलब एक्टिविटीज को डिवाइड किया गया है CISF में कोर एंड नॉन कोर, तो नॉन कोर में बहुत इजीली प्राइवेट सेक्टर आ रहा है, तो अब प्राइवेट सेक्टर से डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम लोग प्राइवेट सेक्टर के सिक्योरिटी पर्सनल्स की ट्रेनिंग थोड़ी अलग होती है, हमारी ट्रेनिंग थोड़ी अलग होती है, तो उनके साथ हमारे कैसे रिलेशन रहते हैं वो बहुत डिपेंड करता है। सिक्योरिटी ब्रीच के इसमें बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कुछ और होता है, हमारा कुछ और होता है, तो इसमें थोड़ा अभी तो पायलट प्रोजेक्ट्स में चलाया है काफी एयरपोर्ट्स में, ये एक फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा चैलेंज है। सेकंड चैलेंज ये है कि गैजेटेड ऑफिसर्स बहुत कम है CISF में, रफली 1500 गैजेटेड ऑफिसर्स हैं और हमारी फोर्स ही 1.5 लाख समथिंग है, तो हमें काफी जो गाइडेंस चाहिए, जो इंटेलिजेंस चाहिए, जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी चाहिए, वो इंट्रोड्यूस नहीं हो पा रही है एट अ हायर लेवल, ये बहुत बड़ी चीज है। थर्ड आई बिलीव कि CISF में थोड़ी कॉम्प्लेसेंसी थोड़ी सी हाई है, क्योंकि हम लोग जिसमें हम लोग जो भी यूनिट्स में काम करते हैं
वहां पे थ्रेट का इतना हाई इश्यू नहीं रहता, जैसे सीआरपीएफ का है थ्रेट बहुत हाई रहता है, बीएसएफ है उसका थ्रेट बहुत हाई रहता है, बट हमारे कुछ यूनिट्स हैं जहाँ पे थ्रेट इतना हाई नहीं रहेगा, तो वहां पे जो सीएसएफ के पर्सनल से थोड़े थोड़े कंप्लीसेंट हो जाते हैं, थोड़ा इजीली डील करने लगते हैं, तो सिक्योरिटी थोड़ा बैकफुट में आ जाती है, उसको बहुत इशू, जो इशू है वो हमें डील करना है। और हमारे जो इग्नाइटेड माइंड्स हैं, जो हमारे न्यू माइंड्स हैं, जो सर्टेनली जो हमारे वाला जो जनरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोर्थ चैलेंज ये है कि काफी सारे पीएसयूज आप देख रहे हो, डिसइन्वेस्टमेंट बहुत अलग ही लेवल पे चल रही है, और इनफैक्ट दीपम तो टारगेट्स सेट करता है, तो डिसइन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है, तो पीएसयूज जो है वो थोड़ा, पीएसयूज अब डिप्लॉयमेंट थोड़ा कम करने लग गए हैं सीआईएसएफ का, क्योंकि सीआईएसएफ एक वाइट एलिफेंट ट्रीट की जाती है, एक कांस्टेबल जो है सीआईएसएफ का और एक प्राइवेट सिक्योरिटी का जो सबसे लोवेस्ट लेवल वाला सोल्जर है, बहुत डिफरेंस हो जाता है। एक कांस्टेबल ऑफ सीआईएसएफ, आपको उसे अकोमोडेशन देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, मेडिकल बेनिफिट्स देना पड़ेगा, जो काम एक सिक्योरिटी प्राइवेट सिक्योरिटी का कोई अगर सोल्जर है तो उसे बहुत कम, विदाउट मेडिकल बेनिफिट्स, विदाउट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो। तो सीआईएसएफ वाइट एलिफेंट की तरह ट्रीट की जाती है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा महंगे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए इन द इंटरव्यू की क्या सबसे ज्यादा चैलेंजेस हैं, फर्स्ट तो आप यही बताएंगे कि वाइट एलिफेंट की तरह ट्रीट की जाती है, क्योंकि प्राइवेट सिक्योरिटी आ गई है, तो प्राइवेट सिक्योरिटी बहुत इकोनॉमिकल दिखती है बाहर से, हालांकि नहीं होती है, क्योंकि उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो आई बिलीव बहुत ही कम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है। सेकंड है कि जो पीएसयू लॉस मेकिंग है उनके लिए तो बहुत ही बड़ा इशू हो जाता है सीआईएसएफ को डिप्लॉय करके रखना और वहां पे फैसिलिटीज सीआईएसएफ को प्रोवाइड करना। थर्ड ये है कि स्ट्रेंथ अभी भी कम है सीआईएसएफ की, स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए अभी भी कम है, एंड मोस्टली यूनिट्स में ये देखा जाता है कि आईएएस ड्यूटीज हो गई उसके लिए यूनिट्स में बहुत स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो एफिशिएंसी जो सिक्योरिटी की है वो थोड़ी सी ब्रीच हो जाती है। तो ये आप अगर इश्यूज बोलेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ आपको थोड़ी डीप अच्छे से नॉलेज है सीआईएसएफ के बारे में, अच्छे से रीड कर रखा है आपने। यस एनीवन, यू ऑल आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। मैं योर आज पूछ रहा टॉप। हूँ, या यस प्लीज मैम, हाउ टू डील विद एंजाइटी एंड नर्वसनेस दैट हैपेंस बिफोर द इंटरव्यू? तो सबसे पहली बात तो आपको खुद को बतानी है कि एंजाइटी और नर्वसनेस सबको आती है, और मैं आपको बता रही हूँ कि सर को मैं कॉल करके बताती थी कि सर मेरे को बहुत नर्वसनेस हो रही है, बहुत एंजाइटी हो रही है, मैं क्या करूँ। सबसे पहली बात आप सर से बात कर सकते हो, फर्स्ट तो यही है। सेकेंड चीज यही है कि आपको खुद को बताना है कि एंजाइटी नर्वसनेस आपको आ रही है ना, इसका मतलब आपने बहुत तैयारी की है। एंजाइटी नर्वसनेस कभी किसी ऐसे इंसान को नहीं आएगी जिसने तैयारी नहीं की, क्योंकि उसको अंदर पता होता है कि हमने प्रिपरेशन नहीं की है, बट एंजाइटी नर्वसनेस उन्हीं को आएगी जिन्होंने तैयारी की है। तीसरी बात, आप कैसे डील करोगे एंजाइटी नर्वसनेस को? मेरा एक मेथड क्या था कि मैं उस चीज को लिख लेती थी तो वो मेरे माइंड से निकल जाती थी। मेरी एक हैबिट है जर्नल की, तो मैं उस पर्टिकुलर चीज को, एंजाइटी और नर्वसनेस जब भी मुझे फील होता था मैं उसको लिखती थी, वो सिग्निफिकेंटली कम कर देता था। फोर्थ थिंग आप क्या कर सकते हो कि आपको जो भी अच्छा लगता है, जैसे मुझे बाहर जो स्ट्रे डॉग्स है उनके साथ खेलना अच्छा लगता है, तो मैं उनके साथ जाऊंगी, उनके साथ खेलूंगी, जो आपको पसंद है वो आप करो, उस मोमेंट के लिए अपना जो माइंड है वहां से हटा दो। वहां पे जहां पे भी आपको, जैसे मैंने ये फील किया था कि मैं जब स्टडी टेबल पे बैठ रही हूँ और प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा ज्यादा नर्वसनेस होता है, तो मैं क्या करूंगी, अपनी लोकेशन चेंज करूंगी, मैं कभी बेड पे पढ़ने लग जाऊंगी या मैं बाहर जाके पढ़ने लग जाऊंगी। ये बहुत माइंड का खेल होता है, आपको थोड़ा माइंड को ना बेवकूफ बनाना पड़ेगा कि अभी यहाँ पे आपको ऐसा फील हो रहा है तो मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे को ऐसा फील नहीं होगा, और आपको सर्टेनली फील नहीं होगा।
विद टाइम आपकी नर्वसनेस एंगजाइटी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ती जाएगी, थोड़ा वो बटरफ्लाई इन द स्टमक थोड़ा और ज्यादा आता जाएगा, बट वो बहुत नॉर्मल है, वो सबको आ रहा है, वो आपको भी आएगा, अच्छी बात है जो आपको आ रहा है. जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि अरे मैं इतना एंगजाइटी और नर्वसनेस मुझे हो रही थी, इससे कुछ तो फायदा हुआ, ऐसा लगेगा आप. यस अदर एनी मैम, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट पार्लियामेंट सिक्योरिटी, उसमें पीएसएस भी रहता है, पीडीजी भी रहता है, सीआरपीएफ भी रहता है, सीएसएफ भी रहता है, तो एक्चुअल क्या रीजंस हैं, सबके पार्ट्स कैसे डिवाइडेड हैं, अगर उन्होंने पूछा तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको बतानी है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बहुत टाइम लेता है बनने में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी फोर्सेस इन्वॉल्व है, तो इट विल टेक सम टाइम टू गेट एक बनने में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. सबसे न्यूएस्ट डिप्लॉयमेंट ये है, तो अभी हम सर्टेनली नहीं बोल सकते कि कौन सा फोर्स कौन से सिक्योरिटी उसमें रहेगा, ठीक है, कौन से सिक्योरिटी एरिया में रहेगा, ठीक है. थर्ड चीज आप बोल सकते हो कि मैंने ये पढ़ा है या मैंने ये सुना है या मैंने डिस्कस किया है अपने सीआईएसएफ में जो है मेरे दोस्त उनके साथ, कि एक थ्रेट एनालिसिस टाइप की एक एक टर्म होता है, थ्रेट एनालिसिस. थ्रेट एनालिसिस सिंपल आपको समझ आ गया होगा वर्ड से ही, कि थ्रेट एनालिसिस ये होता है कि कितना थ्रेट है किसी लोकेशन के लिए, उसके अकॉर्डिंग डिप्लॉयमेंट होगी. आप बस यही बोल दोगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट हो जाएगा. हालांकि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उनको भी नहीं पता होगा कि पार्लियामेंट में कैसे अभी डिप्लॉयमेंट हो रही है, बहुत न्यूएस्ट है, ठीक है, तो आपसे नहीं पूछा जाएगा. बट अगर आप थ्रेट एनालिसिस वाला वर्ड यूज कर लेते हो, तो उनको लगेगा कि हाँ थोड़ा अच्छे से सर्च रिसर्च की गई है सीआईएसएफ में. ये है. And in just like you have given SSB interviews, even I have given SSB interviews there, the chairperson is at the rank of Commodore or maybe above that. Then they have a very good knowledge about the arms, the machinery, the weapon systems, and also the fighter jets and the tanks, etc. So they'll ask very deep in that question. So do we expect that kind of questions in a UPSC interview also? Because they are not DIGs and commandants in CRPF or CISF. फॉर्चुनेटली बहुत कम चांसेस है कि आपसे आर्म्स एंड एमिनेशन के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है. इवेंचुअली आप ट्रेनिंग में जाओगे, आपको एमिनेशन आर्म्स के बारे में सब नॉलेज दे दी जाएगी. वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेसिक जो आपको सीआईएसएफ के बारे में या सीएपीएफ के बारे में जो भी नॉलेज है वो आपके साथ होनी चाहिए, अंटिल अनलेस आपने अपने डैफ में मेंशन कर रखा है कि आपको आर्म्स एंड एमिनेशन के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. वो इस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे. And there is one question that nobody asks, that as a defense aspirant we have some kind of inferiority complex because हम लोग ऐसे देसी फौजी आदमी है, हम लोग जाएंगे तो सीधा सीधा नॉर्मल इंग्लिश में आंसर देंगे. लेकिन हम लोग ऐसे एक दो साल से देख रहे हैं कि सिविल सर्विस वाले इंटरव्यूज जैसे होते हैं तो वो काफी मतलब काफी खतरनाक इंग्लिश में, ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड वाले इंग्लिश में आंसर देते हैं. भले उनका हाथ पांव नहीं रहेगा आंसर का, लेकिन उनका आंसर सुनने में एकदम बढ़िया लगेगा. तो हम लोगों को कैसा आंसर, हम लोगों को तो वैसा बनने की जरूरत नहीं ना, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ना यूपीएससी मेंबर्स की यार ये भी वैसे ही लेवल पे रहे. हाँ, तो देखो आप मतलब जैसे ऑनलाइन जो इंटरव्यूज अपलोड होते हैं ना, उनमें एक चीज होती है, सबसे पहले वो इंटरव्यू वही अपलोड करते हैं जिसमें फर्राटेदार इंग्लिश यूज की जा रही है उस कैंडिडेट के द्वारा, ठीक है. उसी की वीडियो बहुत ज्यादा देखी जाती है, वो इसलिए वही वीडियो आपको बार बार रिकमेंड होती है. वीडियोस ऐसी भी होंगी जिसमें हिंदी बोली गई थी या इंग्लिश बोली गई थी, दोनों का कॉम्बिनेशन बोला गया था, उसका भी सिलेक्शन हुआ, बट उसके व्यूज इतने ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि जो ऑडियंस देख रही है ना, उनको लगता है कि इंग्लिश फराटेदार बोल दी तो इंटरव्यू अच्छा चला गया, तो इसलिए आपको यूट्यूब वो रिकमेंड करता है. दूसरी बात कि आप यूपीएससी इंटरव्यू में बैठते हो, तो वो लोग जज कैसे करते हैं कि ये हाई क्लास है या मतलब मिडिल क्लास है, क्या है, वो कैसे जज करते हैं? वो आपका स्टार्टिंग से स्कूलिंग कहाँ हुई, कॉलेज कहाँ गए, लोकेशन आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो सब देख के आपकी एक पर्सनालिटी बनाते हैं, ठीक है. अगर आप उससे ऊपर करते हो तो अच्छी बात है, अगर आप उस पर भी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप उससे बिलो करते हो तो थोड़ा उनको डाउट हो जाता है. अब ये कैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे अगर मैंने डीपीएस से पढ़ाई की, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की, तो वो एक
सर्टेन उन्होंने इमेज बना ली कि हाँ निधि जो आएगी वो ऐसे रिएक्ट करेगी, ऐसे बात करेगी। अगर कोई मेरे साथ ही कोई कैंडिडेट है जो एक विलेज से पढ़ के आया है, ठीक है, उसने विलेज में एजुकेशन की, उसने स्टेट यूनिवर्सिटी या किसी से भी उसने बीटेक किया, ग्रेजुएशन की, तो उनको पता है कि दिस इज द लेवल दैट वी एक्सपेक्ट। वो हिंदी में बहुत अच्छा बोलेगा, मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा बोलूंगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी नॉलेज मुझसे कम है, उसके इनफैक्ट मुझसे नॉलेज ज्यादा ही होगी, क्या पता पेपर वन पेपर टू में उसके मार्क्स मुझसे ज्यादा अच्छे हो। ठीक है, तो आप ऐसे मत सोचो कि वो बहुत फर्राटेदार इंग्लिश वाली जो फिलोसफिकल आंसर्स जो यूपीएससी इंटरव्यू में दिए जाते हैं वो हमको सीएपीएफ इंटरव्यू में भी देने हैं, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वो चीज, वो बस आपकी पर्सनैलिटी जानना चाहते हैं, वो उतने में ही सीमित रहेंगे। Understood, ma'am. Thank you. वेलकम। Ma'am, can you give us some body language tips during the interview? अच्छा, तो बॉडी लैंग्वेज देखो, आपको सब बोलते होंगे कि बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, बट कॉन्फिडेंट होती कैसे है बॉडी लैंग्वेज? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना, मुझे लगता है कि स्ट्रेट बैक तो मुझे लगता है रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग स्लाउच करते हैं ना, तो हम लोग, ये मैंने इनफैक्ट मैंने थोड़ा बुक्स में बाद में पढ़ा, जब हम लोग स्लाउच करते हैं, हम लोग थोड़ा सा झुकते हैं, तो हम लोग अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, उससे क्या बना दिखाते हैं हम लोग कि हम लोग ऑलरेडी अंडर कॉन्फिडेंट है। फर्स्ट चीज तो मुझे ये लगती है। सेकंड चीज मुझे ये लगती है कि बॉडी लैंग्वेज वहां पे, जैसे आप जैसे रूम में एंटर करोगे, वो देखते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं आप कैसे एंटर कर रहे हो, ठीक है, आप कैसे बैठ रहे हो, आपके हाथ पैर हिल रहे हैं कि नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपने पैर हिलाने लग जाते हैं थोड़ा आउट ऑफ नर्वसनेस एंड स्टफ, तो वो सब चीजें आपको कंट्रोल में लेके आनी है। ठीक है, फिर लास्ट, इनफैक्ट लास्ट है बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप बात कैसे कर रहे हो उनसे। मुझे लगता है यूपीएससी इंटरव्यू में अगर आप बहुत आराम से, बहुत स्लोली बात कर रहे हो ना उनसे, मतलब अपना टाइम लेके बात कर रहे हो, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चंस भी बहुत टाइम लेके लेंगे, आपसे कुछ भी पूछेंगे बहुत टाइम लेंगे, आपको अच्छी तरह समझाएंगे, फिर वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप रिप्लाई करोगे, तो बहुत आराम से उनसे बात करनी है। तो इनफैक्ट आपको उनसे ऐसे बात करनी है जैसे वो आपके रिलेटिव्स ही हैं और थोड़े एल्डर हैं, तो आप कैसे उनसे बात करोगे? हम अपने एल्डर जो हैं रिलेटिव्स उनसे कैसे बात करते हैं? बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, बहुत आराम से बात करते हैं कि उन्हें हमारी बात समझ आए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और बॉडी लैंग्वेज आप जैसे इम्प्रूव करोगे वो सिर्फ प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। खुद को ऑब्जर्व करो, शीशे के सामने बैठो, सर तो ऑब्जर्व करते ही है, आप भी शीशे के सामने बैठो और आंसर्स करो, खुद को देखो कि आप एक्चुअली रिप्लाई कर रहे हो तो कैसा आपका फेस एक्सप्रेशंस क्या है, क्या मतलब, ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग। मैम, जैसे कि आपने बताया कि चैलेंजेस हैं सीरीज में बहुत सारे, तो अगर वो हमसे ये पूछते हैं कि एज एन असिस्टेंट कमांडेंट आप इन चैलेंजेस में वो कैसे दूर कर सकते हो, तो उसको कैसे, हम क्या क्या सजेशन होंगे आपके? जैसे मान लो कि एयरपोर्ट पे प्राइवेट सेक्टर वाला ही है आपने बताया, तो अगर हम मान लो चैलेंज बताते हैं तो वो हमसे इसका काउंटर क्वेश्चन करते हैं, तो क्या सोल्यूशन होना चाहिए आपकी नज़र में? ठीक है, तो आपने पहले मेंशन कर दिया कि एयरपोर्ट में इश्यूज क्या हैं, तो सबसे पहले आपने मेंशन एक नंबर वाइज किया, और मैक्सिमम आप लोग दो इश्यूज बता दो, उससे ज्यादा इश्यूज मत बताओ क्योंकि एक आंसर फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। जैसे आपने फर्स्ट इश्यू ये बताया कि प्राइवेट सिक्योरिटी आ रही है तो उनके साथ डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सीआईएसएफ जो है वो अलग ट्रेनिंग लेती है, प्राइवेट सिक्योरिटी अलग ट्रेनिंग लेती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग कैसे डील कर सकते हैं, इसका मतलब हम लोग को एक कॉमन व्यू पॉइंट चाहिए, दोनों टाइप ऑफ जैसे पर्सनल्स है उनका एक कॉमन व्यू पॉइंट होना चाहिए। कॉमन व्यू पॉइंट कैसे होगा? हम एज गैजेटेड ऑफिसर्स हम क्या करेंगे, हम लोग जो प्राइवेट सिक्योरिटी के जो भी वहां पे हायर अथॉरिटीज है उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ मीटिंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि अगर ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस एयरपोर्ट्स पे होती है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन होगा, हमें उन चीजों को कैसे डील करना है। ठीक है, चाहे कोई भी इशू हो, चाहे बॉम्ब, मतलब चाहे एक अनआइडेंटिफाइड बैग है वो रखा हुआ है, तो उसको कैसे डील करना है, सबसे पहले कौन जाएगा एंड एटसेट्रा।
सेकंड जो इशू उसमें क्या बताया था हमने, हाँ इन्होंने डील कैसे किया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम लोग बैठ के उनके साथ डिस्कशन करके हम करेंगे. फिर है सेकंड, और हम लोग एफिशिएंसी या और हम लोग दोनों में थोड़ा रिलेशन कैसे और बढ़ा सकते हैं, मॉक ड्रिल्स कर सकते हैं. मॉक ड्रिल्स कैसे, जो भी टाइप ऑफ इश्यूज होंगे, फॉर एग्जांपल अनआइडेंटिफाइड बैग मैंने बोल दिया, या कुछ हाईजैकिंग है, या एटसेट्रा कुछ भी है, तो हम लोग उस टाइम पे मॉक ड्रिल्स कंडक्ट कर सकते हैं कि ये चीजें कैसे डील की जाएंगी. इवेंचुअली आप अपना आंसर ऐसे एंड करना कि इट विल टेक सम टाइम, मतलब इट विल टेक सम इयर्स टू फाइनली रियलाइज कि क्या एक्टिविटीज सिर्फ CISF को करनी है, क्या एक्टिविटीज सिर्फ प्राइवेट सिक्योरिटी को करनी है, और क्या एक्टिविटीज ओवरलैपिंग है प्राइवेट सिक्योरिटी की और CISF की, और उन ओवरलैपिंग एक्टिविटीज में डील कैसे करना है. बस मैम, एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा। जो VIP सिक्योरिटी होती है, मेनली जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं या फिर कोई फेमस बाबा है, जैसे हरियाणा के अंदर गुरमीत राम रहीम है या फिर कंगना रनौत है या और भी, तो उनको मैम गवर्नमेंट के पैसे से उनको प्राइवेट सिक्योरिटी दी जाती है XYZ कैटेगरी की। तो इस पे हम क्या व्यू होने चाहिए हमारे कि ये ठीक है या गलत है? अगर ठीक है तो क्यों है, गलत है तो? ये मेरे को थोड़ा सा डाउट था। ठीक है, तो आप इसको कैसे आंसर करोगे? इसमें सबसे पहली बात आपको बताना है कि CISF एक हाईली प्रोफेशनल फोर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है. तो जो भी टास्क मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हमको देगी, हम उसको एफिशिएंटली वो करेंगे, फॉलो करेंगे. क्योंकि अगर हम लोग ऐसे बोल दिए कि सर हमें लगता है कि ये गवर्नमेंट एक्सचेकर पे कुछ ज्यादा ही मतलब लॉस काइंड ऑफ है, हम लोग इनफैक्ट अपने CISF पर्सनल्स को कहीं और यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू टू दीज पीपल, तो उनको लगेगा कि हम लोग पॉलिसी मेकिंग में है भी नहीं, और हम लोग अपना व्यूज थोड़े नेगेटिव दे रहे हैं. आपको बस ये बोलना है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो भी हमको टास्क प्रोवाइड करेगी, हम उसको एफिशिएंटली करेंगे. बस आपको ये बताना है. वन मोर थिंग, देखो इसमें ये ऐड कर सकते हो कि इफ और एनी इंस्टॉलेशंस, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस और एयरपोर्ट, इफ दीज आर एसेट्स फॉर कंट्री, देन दीज पीपल आर आल्सो एसेट्स फॉर कंट्री ना। डोंट गो इन देयर पर्सनल लाइफ, बट लेट अस टेक अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन इज एन एसेट, शाहरुख खान इज एन एसेट, ही इज लाइक सॉफ्ट पावर। इट इज सेड ना कि अभी जो ओमान से कुछ, ऑब्वियसली वो क्या सही है या क्या गलत है वो सरकार जानती है, लेकिन कुछ न्यूज में आपने देखा ना कि शाहरुख खान वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन रिलीविंग दोज पर्सनल, तो वो भी एक एसेट के तौर पे ट्रीट करो। दूसरी है एस्पायरेशंस, आप एक कॉमन मैन हो, आप कंट्री के लिए बहुत अच्छा करते हो, तो आपको भी प्रोवाइड की जाएगी। आप तब तो आप नहीं कहोगे ना कि हम पर क्यों एक्सपेंडिचर की जा रही है। तो एक ये एस्पायरेशन भी है और दीज आर ऑल्सो एसेट्स। एक अमिताभ बच्चन बड़े इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन वो अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, तो उस इंस्टॉलेशन को आपको प्रोटेक्ट करना है। ओके, यस, बहुत, एनीवन मोर? ये तो बहुत ही अच्छा ओके आंसर सर, है, 100 गुना अच्छा आंसर है मेरे आंसर से, तो आप प्लीज सर का फॉलो करो. नहीं, मतलब ठीक है। देखो क्या है ना कि मैं तो बोलता ही रहता हूं ना, लेकिन थोड़ा आप एक अभी नए हो और एक्सपीरियंस अभी आपका प्रैक्टिकल उसमें नहीं है, CISF में, ठीक है? ओके, एनीवन मोर यू कैन आस्क? डियर, हर कोई क्वेश्चन पूछने की आदत डालो, जितना क्वेश्चन पूछने की आदत डालोगे उतने बेटर तरीके से रिप्लाई करोगे। आज निधि इतनी कॉन्फिडेंट थी, बिलीव मी, जब से इसने CISF ज्वाइन किया है तो फर्स्ट जूम मीटिंग है। ऑब्वियसली हम लोग की कम्युनिकेशन होती रहती है, लेकिन आई फर्स्ट टाइम आई सी कि इतना मैच्योर हो गई है, ठीक है ना? मतलब ये जब मैं ऑब्वियसली इसको गाइड करता था तो आप लोग जैसे टेंशन में रहते हो वैसे ये भी टेंशन में रहती थी, सर ये बताइए ये बताइए। आज आपके सामने इस मैच्योरिटी से कर रही है, तो ये इसका कारण है कि क्वेश्चन पूछने की आदत रखती थी। सो यू पीपल ऑल्सो हैव, अब गलत सही कुछ भी नहीं होता है, आप जो भी है पूछो। यस यस आशुतोष, यू कैन आस्क। यस मैम, समटाइम वी टेंड टू नॉट नो द आंसर्स ऑफ मेनी क्वेश्चंस, एंड समटाइम वी टेंड टू यू हैव अर्स टू टेल द आंसर यूजिंग एन एग्जाम्पल. सो इज दैट अ गुड हैबिट? लाइक समटाइम वी नो वॉट इट इज बट वी कैनॉट डिफाइन इट यूजिंग आवर प्लेन इंग्लिश, सो समटाइम वी टेंड टू यूज एन एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन दैट.
सो इट इज अ गुड हैबिट और बैड हैबिट? ठीक है, तो अगर आप आंसर्स अपने एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल के साथ, आई थिंक इट्स अ प्लस पॉइंट. बस उसमें बस एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो और क्वेश्चंस वो ज्यादा पूछ नहीं पाते. बट अगर आप उस क्वेश्चन में ही, मतलब जैसे आपसे कुछ पूछा गया और आप उसको आंसर एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उनपे डेफिनेटली एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा. सर बोलते थे उस टाइम पे कि कुछ क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें आपको छक्का लगाना ही है, तो अगर आपको वो एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है आप करो. ज्यादा टाइम मत लो, पैराग्राफ्स मतलब पॉइंट्स वाइज अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो वो इतना भी मोनोटोनस नहीं लगेगा. पैराग्राफ्स टाइप एक्सप्लेन करोगे तो थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाएगा, पर हाँ आप एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर सकते. ऑल्सो ओके, यस, रवि मैं किरण, बताइए. रवि किरण, यू जी कैन आस्क. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. मैम हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस लाइक यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सो हाउ कैन यू हेल्प योर इंजीनियरिंग स्किल्स इन फोर्सेस? लाइक आई एम ओके फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, सो हाउ कैन आई डील विद द ओके, तो इंजीनियरिंग जो है, आई थिंक इंजीनियरिंग फोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है CISF के लिए, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि हम लोग अभी क्या डील कर रहे हैं, हमारा जो भी नए टाइप ऑफ थ्रेट्स आ रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, वो काफी टेक्निकल नेचर में है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था, तो मैंने उनको बताया था कि मैं कैसे बहुत हेल्प कर सकती हूँ इन सिस्टम्स में जहाँ हम लोग कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स को इम्प्रूव कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली इनफैक्ट मैंने नीसा में एक पेरिमीटर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, तो उस टीम में मैं थी. अब मैंने ऐसे यूज किया है, अपनी स्किल्स यूज की हैं इन CISF. मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, बट सर्टेनली आप ये बोल सकते हो क्योंकि हमारे नए थ्रेट्स इवॉल्व हो रहे हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और CISF को टेक सावी फोर्स बनाकर रखने के लिए हमें जरूरी है कि मतलब मैं अपना इंजीनियरिंग का नॉलेज बहुत इजीली उसमें यूज कर पाऊंगा, आप ऐसे बोल सकते हो. ओके मैम, थैंक यू. बट अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर यूज कर पा रहे हो, वहां पे मेंशन कर पा रहे हो, तो वो बहुत इनफैक्ट ज्यादा अच्छा बेटर आंसर हो जाएगा. ज्यादा से ज्यादा पर्सनलाइज करने की कोशिश करो, अपने आंसर्स को अपनी लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करो, उनको फिर ज्यादा थोड़ा वेट ज्यादा लगता है आंसर्स में. यस आशुतोष, यू वेयर हैविंग फॉलोइंग क्वेश्चन. यस मैम, यस सर, यस मैम, यू हैव ऑलरेडी बीन इन टू द इंटरव्यू रूम्स, यू वुड नो द बेस्ट दैट हाउ टू गेट दैट हेड मूवमेंट एग्जैक्टली करेक्ट, बिकॉज इफ आई एम हैविंग एन आंसर इन लेट्स से 3 पॉइंट्स, सो शुड बी लाइक आई शुड बी आंसरिंग 1 पॉइंट एंड देन सेकेंड पॉइंट, और शुड आई बी लाइक अदरवाइज आई वुड बी मूविंग लाइक दिस दिस राइट? सो जस्ट टेल मी हाउ टू क्रैक दैट परफेक्ट हेड मूवमेंट और आई मूवमेंट. ओके, तो मैंने अपने इंटरव्यू में क्या किया था, मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता था तो मैं आंसर सबको देती थी, मतलब सबको इनफैक्ट देख के मैं देती थी क्योंकि सभी मुझे देख रहे होते हैं. ठीक है, मतलब इनफैक्ट सारे जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो आपको ही देख रहे होते हैं. तो अगर आप कोई आंसर, जैसे स्टार्टिंग में आप अपना आंसर दो, जब स्टार्टिंग कर रहे हो आंसर की, तो आप सर्टेनली उसको देखो जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है. ठीक है, देन जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो, थोड़ा ऐसे कर सकते हो, दैट्स ऑल. एंड भी आप उन्हीं पे करो जिन्होंने आपको क्वेश्चन पूछा है, दैट्स ऑल. ओके शिवम, गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. मैम मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे हम स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं तो कॉन्फिडेंस लो फील होता है, फिर जैसे जैसे बात करते हैं तो बढ़ता जाता है, तो ऐसे क्या प्रैक्टिस करें जो थोड़ा स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस आए? जैसे स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस के टाइम थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता है, फिर कम्युनिकेशन के दौरान सही हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आता बात करने में, थोड़ा डर सा लगता है. तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, वो बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कराए. ठीक है, सेकंड चीज ये होती है कि वो आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, वो वही क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका आंसर आपको बहुत इजीली आएगा, बहुत फर्राटेदार आप उनको आंसर दे सकते हो, तो आपको उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है.
जैसे जब जब सर आपसे कंडक्ट करते होंगे इंटरव्यू, तो वो स्टार्टिंग में बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछते होंगे, उन बेसिक क्वेश्चंस का आप आंसर देते हो और आपके माइंड में फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अब मैं आंसर्स देना स्टार्ट कर चुका हूँ, अब मैं आंसर आगे के दे सकता हूँ। और हाँ सर्टेनली आप जब रूम में घुसने से पहले आपको बहुत वो होगा, फील अंडर कॉन्फिडेंट फील होगा, थोड़ा नर्वसनेस फील होगा, ये सब होगा, बट थॉट्स को थोड़ा ज्यादा आने नहीं देना है अपने दिमाग में। मुझे याद है जब मेरा इंटरव्यू था तो मैंने क्या किया था, वहां पे एक सीट होती है, उसके साइड में एक पानी की बॉटल रखी होती है, तो मैंने क्या किया, मैं ना तो उस सीट पे बैठी, क्योंकि मुझे पता था 100% श्योर था मुझे कि वहां मैं उस सीट पे बैठूंगी मुझे और नर्वसनेस फील होगी, ठीक है, ना मैं उस सीट पे बैठी, ना मैंने उस पानी की बॉटल को छुआ। सामने एक छोटा सा गार्डन था, मैं वहां पे उन गार्डन में जाके मैं सिर्फ प्लांट्स को देख रही थी, अपना ध्यान भटका रही थी। तो आपको थोड़ा उस टाइम पे कुछ ना कुछ अपना ध्यान भटकाने के लिए करना है कि आपको आपका ध्यान अपने नर्वसनेस पे ना आए। जब आप आंसर देना स्टार्ट करोगे, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बस फिर आपको कुछ आपकी प्रैक्टिस ही काम आएगी और कुछ भी काम नहीं आएगा, आप बहुत आराम से आंसर्स दे दोगे उनको। और मैम एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन और था मैम, मेरा CIS फर्स्ट चॉइस है और SSB सेकंड चॉइस है, तो जब मैंने चॉइस फिल की थी तो एल्डर ब्रदर ब्रदर से पूछ के किया था, थोड़ा अंदर से नहीं था। अब मैं उसके लिए रीजंस ढूंढ रहा हूँ और अंदर से भी कर रहा हूँ, तो बेस्ट आंसर क्या हो सकता है ऐसे डिफेंड करने के लिए, वाई CISF इज योर फर्स्ट चॉइस? अच्छा, ओके तो ओके आपके ठीक ब्रदर है, ने क्या इंडिविजुअल पूछा? लेवल पे इस चीज को मैं डिस्कस कर दूंगा, परेशान नहीं होना। ये मैक्सिमम ओवरऑल चीजें हमने ये कर दी है। देखो आप जो भर दिए हो उसको डिफेंड करना है, और उसके लिए मैं चीजों को बता दूंगा, ठीक है ना, उसमें परेशान नहीं। सो ओके ओके जब सर, थैंक टाइम अब कम है ये करके, ओके थैंक्स निधि। कुछ जरूरत होगी तो मैं वन यू मोर सर। सेशन रखना चाहूंगा, ओके सो विद हाँ टाइम सर, प्लीज। होगा तो चलो ठीक है, ओके ओके थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू।